हेलो गाइस, नमस्कार। क्यूट कपल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, सुबह के बज गए हैं 9 और मैं यहाँ पे देखिए सोई हूँ धूप में। आप लोग देख सकते हो कि तो मैं धूप में सो रही हूँ। और दोस्तों, अभी अभी मैं दलिया खाई हूँ, रोटी कभी खाई नहीं हूँ, मन नहीं कर रहा है। डॉक्टर दलिया खाने के लिए बोला है दोस्तों। तबीयत बहुत ज़्यादा मेरी ख़राब है, आप लोग को पता ही है कि मेरी तबीयत क्या हो रहा है दोस्तों। दुनिया में मेरे हस्बैंड जूस ला के रखे हैं, लेकिन अभी तक भी नहीं दोस्तों। तबीयत इतना ख़राब है, मैं क्या बताऊँ आप लोग दोस्तों। आप लोगों को पता ही, मेरा पति बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है वीडियो बनाने में। मैं तबीयत ख़राब है, मर रही हूँ, फिर भी मुझे खुद वीडियो बनाना पड़ रहा है दोस्तों। जूस लेके आए पीने के लिए मार्केट से, देख सकते हो आप लोग। पीने का इच्छा नहीं कर रहा है दोस्तों। आप लोगों को मैं बता सकती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या हुआ था मुझे, ये भी मैं आप लोगों को आज वीडियो में बताऊंगी। आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए मेरे वीडियो पे दोस्तों। मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है, हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा के थक चुकी हूँ। और ब्लड भी टेस्ट हुआ, पेशाब भी टेस्ट हुआ मेरा, बुखार तो जा ही नहीं रहा था दोस्तों। तो बुखार को चेक करने के लिए 3 दिन के लिए दवा दी थी मैडम ने, तो बुखार बिल्कुल उतरा ही नहीं मेरा। 103 डिग्री बुखार था, 103 डिग्री बुखार था। फिर दोबारा चेक करने के बाद 3 दिन के बाद भी ब्लड टेस्ट हुआ मेरा, तो ब्लड टेस्ट के बाद उसमें डेंगू निकला है दोस्तों। और आपको पता है डेंगू में कितना जल्दी ब्लड को पानी की जरूरत है। ये रोड की साइड में मेरा कमरा ना इतना करता है ना, दिन भर गाड़ी की आवाज़, लोहे की आवाज़ ठक ठुक दिन भर परेशान कर देता है। अभी भी आप लोग को सुनाई दे रहा होगा इधर से इतनी आवाज़ आ रही है। एक तो बीमार हूँ, ऊपर से हल्ला तो एकदम दिमाग ख़राब हो चुका है दोस्तों। हल्ला तो बिल्कुल नहीं आ रहा मुझे। ऐसे जगह पर मैं कमरा ले ली हूँ ना, कमरा छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन इतना शोर होता है ना कि जी करता है कब छोड़ के भाग लेने। और बीमार हो तो खास करके और ज़्यादा मन करता है यहाँ से भाग। तो दोस्तों, मुझे डेंगू हो चुका है और डेंगू में मेरा ब्लड पता ही है कम होता है शरीर में। और ब्लड पता है कितना, आप लोग मैं बता देती हूँ, तो 750 ग्राम मेरे अंदर ब्लड है, डॉक्टर बता रहा है 750 ग्राम। दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या चीज़ खाऊं मैं कि मेरा ब्लड बढ़ जाए जल्दी से, जल्दी से मुझे दवाइयों से मुक्ति मिल जाए दोस्तों। एक बार कॉल है दोस्तों कि मैं 2 महीने की प्रेगनेंट हूँ और मेरा ऐसा तबीयत ख़राब हुआ कि डेंगू के चक्कर में और बुखार लगा कि मेरा बच्चा भी ख़राब हो गया दोस्तों। मुझे बहुत रोना आ रहा है, क्या करूं। उसमें भी इतना ब्लड मेरा गया, इतना मेरा ब्लड गिर गया, इससे और मेरा शरीर सूख गया दोस्तों। मुझे कितनी सूख गई हूँ मैं, मेरा शक्ल से आप लोग पता चलवा सकते हो कितनी सूख गई। एक तो डेंगू हो गया, ऊपर से मेरा बच्चा ख़राब हो गया दोस्तों। ये खुशी मैं आप लोग को देने वाली थी कि मेरे साथ ऐसा हो गया। आप लोग थंबनेल पे देख सकते हो, मैं अपने बच्चे टेस्ट का किट लगाई हूँ। आप लोग किट देख के पता कर सकते हो, 2 महीने का बच्चा था मेरा। मैं टेस्ट भी की थी, पॉजिटिव आया था रिपोर्ट। मैं हॉस्पिटल भी गई थी डॉक्टर से सलाह लेने के लिए दोस्तों, और ये बीमारी ने मुझे घेर लिया। साथ ही साथ मेरे घर के सारे परिवार बहुत खुश थे दोस्तों, बहुत खुश थे, लेकिन क्या करूँ, ये खुशी मेरे मातम में बदल गया। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रो रो के तो मेरा बुरा हाल हो गया था, दिन रात रोया करती थी, लेकिन बेचारा मेरा घर वाला अकेले काम कर रहा है, खाना पीना सब बना के देता है मुझे, बेड पर
डॉक्टर ने बेड से उतरने के लिए मना कर दिया है डॉक्टर, बेड से उतरने के लिए मना कर दिया है डॉक्टर। आप लोग दिखाती हूँ मैं अपना दवाई, दोस्तों आप लोग दवाई देख रहे हैं, दवाई है 5 दिन का बस दवाई है इतना सारा, क्या करें दोस्तों, इतने में दुखी हूँ ना कि मैं ही जानती हूँ। धूप में बैठी हूँ दोस्तों, दिन रात से मेरा बुरा हाल हो गया है, क्या करूँ। जितनी मैं रोती थी उतना मेरा हस्बैंड रोता था दोस्तों, रात को इतनी खुश थी दोस्तों, इतनी खुश थी, मैं काम भी छोड़ दी थी जब मैं सुनी थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं काम भी छोड़ दी थी दोस्तों, लेकिन मुझे नहीं पता था, इतना अचानक मेरा घर बिगड़ गया। भगवान मेरे बच्चे को छी, जिंदगी में कब खुशी आएगी दोस्तों, पता नहीं कब खुशी आएगा मेरी जिंदगी। एक बार दो दो बार हो चुका है मेरे साथ ऐसा, मैं एकदम टूट चुकी हूँ दोस्त, एकदम टूट चुकी हूँ। मेरा हस्बैंड झाड़ू लगा रहे, डॉक्टर ने कुछ भी करने से मना किया है, मुझे बेड रेस्ट कर रखा है, बस दवा खाती हूँ, खाना खाती हूँ और पड़ी रहती हूँ दोस्तों। एक साथ दो दो दिख, एक तो डेंगू हो चुका है और ऊपर से मेरा बच्चा खराब हो गया दोस्तों, लेकिन झाड़ू लगा दोस्तों। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, आगे नहीं बनाऊँगी अब तो आप लोगों के लिए, आगे कल बनाऊँगी, आज बनाने का हिम्मत नहीं कर रहा दोस्तों, कल बनाऊंगी आज के ब्लॉग में। आप लोग मेरा देखते रहिए दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बोलने का हिम्मत नहीं कर रहा है, मैं वीडियो कल बनाऊंगी। आज की ब्लॉग में बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय।